मैं हूँ आप सबकी प्यारी सी लाइबा एंड आई एम बैक विद द डेली व्लॉग्स। लेकिन इस बार डेली व्लॉग्स हैं फुल वीडियोस। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। अब आई डोंट नो अभी गुड न्यूज है कि बैड न्यूज है, बट आप लोगों को अब मुझे 30 दिन के लिए बर्दाश्त करना पड़ेगा। सो आई एम गोना बी डूइंग 30 डेज डेली व्लॉग चैलेंज। यू वांट टू कम इन माय व्लॉग? और इन 30 दिनों में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी स्किन केयर, मेकअप और हाउ आई लिव माय लाइफ, माय यूनिवर्सिटी लाइफ, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग, इंक्लूडिंग केक्स अगर मुझे ऑर्डर्स आते हैं। वैसे तो मैं अभी ऑर्डर्स नहीं ले रही क्योंकि मेरे मिड टर्म्स भी आने वाले हैं, बट हम ट्राई करेंगे कुछ ना कुछ नया देने के आप लोगों के लिए। एंड थैंक यू अगेन फॉर शोइंग सो मच ऑफ लव टू माई रमज़ान व्लॉग्स, क्योंकि जहाँ मैं जाती हूँ फैमिली, आउट ऑफ फैमिली, सब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। कमेंट्स पढ़े हैं मैंने बहुत ज़्यादा, तो आई जस्ट वांट कि आप लोग भी इस वीडियो को भी, इन वीडियोस को भी ढेर सारा प्यार दें। मैं ऐसे बातें करने बैठी तो पूरी रात गुजर जाएगी और आप लोग सुनते रहेंगे और बोर हो जाएंगे, तो इसलिए बेहतर है कि हम चलें स्किन केयर पे। पर उससे पहले, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं अभी उठी थी कोई अराउंड 1 PM, और अब मैंने क्या करना है, अब हम जा रहे हैं किचन में टू मेक कॉफ़ी। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं अपनी कॉफ़ी कैसे बनाती हूँ। अगर आप लोग मेरे रमज़ान ब्लॉग्स देखे हैं तो यू गाइस ऑलरेडी नो कि मैं पीती हूँ काली कॉफ़ी। तो जी कॉफ़ी बन चुकी है। हेवन। अच्छा करेंगे स्किन केयर। अभी मैं एक्सरसाइज से बोल रही हूँ कि मैं कमरे से बाहर हूँ और एवरीबॉडी स्लीपिंग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ ट्राइपॉड पे कैमरा लगा के। आई एम गोना बी शोइंग यू गाइस हाउ आई डू माय स्किन केयर, क्योंकि अभी मैं नहा के आई हूँ पहले इसलिए नहीं की क्योंकि टाइम नहीं था। तो अब हम करेंगे। हाय मामा, डू यू वांट टू कम इन माय व्लॉग? अब हम स्टार्ट करते हैं स्किन केयर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी स्किन है काफ़ी ड्राई, और अभी मैं शावर जैसे भी लेके आई हूँ तो ऑलरेडी बहुत ड्राई हो जाती है जब शावर लेते हैं। तो अब सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ, दिस पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मॉइस्चराइज़र कोई भी जो आपके पास है। अच्छे से ब्लॉग हो गया। नाउ आई एम यूजिंग दिस पेट्रोलियम जेली। अब मेरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा फेशियल हेयर आया है, मैं तो हम उसको रिमूव करेंगे। मैं वैसे मोस्टली यूज़ करती हूँ टिंकल रेजर, बट अब मैंने ये ऑर्डर किया था दिस फेस शेवर। तो जी अब ये मैंने कर लिया। अब आई एम यूजिंग दिस रोज वाटर जो कि ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, बट इसको फ्रिज में रख ले। इसको फ्रिज में रख लें, देन यूज करें तो आपको बहुत रिफ्रेशिंग होगा। ओके नाउ आपको दिखाती हूँ कि आप लोगों को पता है मेरी फ्रेंड जो थी वो ईदी लाई थी, क्योंकि वैसे ही मैंने रखी भी है अभी। तो अब इसमें से हम यूज़ करेंगे एक फेस मास्क। हम ओपन बाहर का व्यू दिखा देते हैं उतनी देर तक। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, मतलब मौसम धूप नहीं है बट सही है। दिखाती हूँ, दिस इज माई फेवरेट प्लेस। मतलब यहाँ पे मैंने अपना ईद का शूट भी करवाया था फर्स्ट डे का, मतलब इतना प्यारा लग रहा है जस्ट लुक एट दिस। तो ये है हमारे लॉन्स, इनका भी मैं पूरा आप लोगों को हाउस टूर दूंगी बाहर से, अंदर से अपना रूम टूर भी दूंगी इनका अपकमिंग ब्लॉग्स में। चलें जी, इट्स बीन मोर देन 15 मिनट्स एक्चुअली, तो हम इसको रिमूव कर ले गए। ऑनेस्टली इतना सॉफ्ट हो गया मेरा फेस, तो ये बहुत अच्छा है फेस मास्क। मैंने इसका पहले भी यूज़ किया है, इट्स वेरी गुड। अब मैं यूज़ करूँगी दिस हाइलुरोनिक सीरम। हाइलुरोनिक क्या है,
हाइलुरोनिक सीरम। ये सुबह को, ये जब मुझे सुबह को याद आ जाए कि ओ माय गॉड मैंने करनी है स्किन केयर, तो मैं ये यूज़ करती हूँ कहीं जाना ना हो तो, क्योंकि ये मतलब फिर उतरने लग जाता है आपके फेस पे से ना, वो थोड़ा छिलके छिलके बन जाते हैं, तो अंदर एब्जॉर्ब्स कम्प्लीटली इसको आपने छोड़ देना तब तक, और फिर अब हम मिलते हैं थोड़ी देर तक। आई एम डन विद द स्किन केयर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों के सामने ही सिर्फ सुबह की कॉफ़ी पी ली है, तो अब हम कुछ खाने जा रहे हैं क्योंकि मुझे लगी है बहुत ज़्यादा भूख। नाउ आई हैव टू डिसाइड व्हाट टू ईट। तो एवरीवन आई गॉट टू ऑप्शंस, मतलब बिरयानी एंड पिज़्ज़ा। दिस इज़ हॉट पेपरोनी एंड दिस इज़ पेरी पेरी। बट मुझे नहीं पता मैं क्या खाऊँ, बिरयानी खाऊँ, पिज़्ज़ा खाऊँ, पिज़्ज़ा खाऊँ कि बिरयानी खाऊँ, क्या खाऊँ। दोनों खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा आगे। सो दिस इज़ हाउ माई प्लेट लुक्स जी। अब मैं खाना खाने लगी हूँ और साथ में देखूँगी फूल मी वंस इस वाले फ़ोन में। ये वाला फ़ोन तो अब ये वाला है, इसको मैं लगाने लगी हूँ चार्जिंग पे क्योंकि 20% रह गई है, फिर मैंने एडिट वगैरह भी कर। तालिबान वाला बैग पहन के कहाँ जा रहे हो? आई जस्ट चेंज ऑफ माई क्लोथ्स और अब हम शायद जा रहे हैं मार्केट टू गेट सम थिंग्स जो कि मुझे चाहिए बहुत ज़रूरी, जिसमें है अम्ब्रेला और एक कप चाहिए और आई मीन सिपर कप चाहिए और क्या चाहिए। जाने में देर है थोड़ी सी, तो मे बी हम जाएँ ना जाए कोई कन्फर्म नहीं है। तो मैंने ये कल चैलेंज स्टार्ट किया था, अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे डाला था कि आई विल राइट अपना नाम ड्रॉप करने, तो मैं आप लोगों के नाम लिखूंगी। अब जैसे कि मैंने लिखना है सिद्रा, तो मैं इस पर सबसे पहले पूरा सीन लिखूंगी। ओके, तो अब हम जा रहे हैं बाज़ार। मैं लग रही हूँ बहुत ज़्यादा बुरी लेकिन बाज़ार जो है मैं क्या मेकअप करती, क्या कुछ करती, बस अब जा रहे हैं। तो 2 मिनट का काम करना है, हम वापस आएँगे। बाय। तो अब हम मामा का मोबाइल लेने आए हैं जो कि खराब टूटा पड़ा। आपको नया फोन ना ले दो, ले दो तुम, ले दो। मोनेटाइज करवाए मेरा चैनल, फिर मैं मामा का फोन लेके मामा से बुक ले लेना। क्या ले लेना? स्केच बुक। अच्छा, अब उर्दू भी आ गई है, पहले पंजाबी बोल रही थी। मेरा फोन खराब हो गया, अब मैं क्या करूँ। अब हम जा रहे हैं इकबाल टाउन और जैसी भी आ रही है, तो अब जा रहे हैं मिनीसो, मिनीसो से पहले भाई भाई जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं पहले पानी लेंगे, पहले पहले पानी लेंगे गोरमे का, फिर हम लेंगे मिनीसो से, नहीं फिर हम जाएंगे भाई भाई। अच्छा, फिर हम मिनीसो जाएंगे और साथ सच्ची चक्की से अपना मिनरल वाटर घुसवा लेंगे। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। ये तो मिनीसो से लिया, ये मैंने लिया भाई भाई से। दिस इज माय आर्ट स्केच बुक। निहारी किसके साथ खाऊंगी? लेकिन रोटी नहीं खाऊंगी। अच्छा, आप लोगों को मैं सबसे मजे की चीज़ दिखाती हूँ। जो लिया वो पड़ा हुआ भी लेकिन वो टूट गया था, और अब मैंने लिया है हम लोगों को, था मैंने अम्ब्रेला, और उनके पास या तो रेड कलर में थी या ब्लैक कलर में थी। वो चीज़ें मैंने ली हैं, दैट्स अ सरप्राइज, और वो आप लोग को इन फ्यूचर व्लॉग्स में मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया था। मैं बस 24 घंटे ही मेरे हाथ में रहेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है मुझे पानी पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जब मेरे आसपास कोई बॉटल या कुछ ना हो तो मुझे कुछ कुछ होने लग जाता है कि पानी नहीं मिल रहा मुझे, तभी मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे पास आ गया। तो जी, अब रात हो चुकी है, अब टाइम है मैं आपको बताऊंगी मेरी रात की स्किन केयर रूटीन, और उसमें ये सीन्स हैं कि मैं अल्टरनेट डेज पे वैसलीन और सीरम लगाती हूँ। दिस इज़ द सेरोलिक सीरम बाय जेनफर्म।
तो ये मैं लगाती हूँ, और ऑल्टरनेट डेज पे दोनों चीज़ें, मतलब एक दिन ये लगाएंगे एक दिन ये लगाएंगे। तो आज का दिन है फॉर द वैसलीन, तो मुझे हैव टू टेक सम पेट्रोलियम जेली। दिस इज़ नॉट वैसलीन बट आप वैसलीन भी यूज़ कर सकते हैं, कि कोई और पेट्रोलियम जेली है तो आपने वैसे ऑल ओवर योर फेस। तो जी, इट वॉज ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। आई एम सो नर्वस कि आप लोगों को कैसे लगेगी, तो कॉमेंट में ज़रूर बताएं और मुझे आइडियाज दें कि नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं क्या नया और क्या अच्छा अच्छा लेके आऊँ आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो इफ यू न्यू टू माई चैनल, और अगर आपने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ऑल्सो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, माशाल्लाह पढ़ लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी, सीरियसली इट मीन्स अ लॉट। और कल मिलते हैं, वेट ज़रूर करना है, और आप लोगों ने मेरे सारे व्लॉग्स ऐसे ही देखने हैं, ठीक है? ओके, बाय।